हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा द इंडियन मॉम। आज हम आपको बहुत ही स्पेशल, इजी और बहुत टेस्टी डिश सिखाने जा रहे हैं, चॉकलेट केक। फ्रेंड्स, हमने यहाँ चॉकलेट केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ में नहीं ली हैं। हमने यहाँ पे लिया है हैप्पी हैप्पी बिस्किट, 40 ग्राम का है एक बिस्किट का पैकेट। आप यहाँ पे गुड्डे, हाइड एंड सीक, बॉरेबोन या जो भी आपको पसंद बिस्किट है, आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे केक बनाने के लिए बाटी वाला ओवन यूज में लिया है। देखिए, इस तरीके का होता है ये। इसको मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अगर आपके पास में बाटी बनाने वाला ओवन नहीं है तो आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इस तरह से बड़ी कढ़ाई लेकर के उसमें एक स्टैंड रख दें और कुछ इस तरह से उसको कवर कर दें और इसको आप गर्म होने गैस पे रख दें। फ्रेंड्स, मैं एक जार में बिस्किट को डाल लूंगी। ये देखिए, चॉकलेट बिस्किट है, इसमें चॉकलेट चिप्स भी हैं। फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट सारे जार में डाल लिए हैं, अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच चीनी भी डाल दी है। अब हम इनको बारीक पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट बारीक पीस लिए हैं, अब हम इनको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसमें आप 2 चम्मच बटर, 2 चम्मच घी या फिर 2 चम्मच कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है इसमें। मैंने 1/4 कप यहाँ पे दूध लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पेस्ट को अच्छे से बना लिया है। इसको हमें एक ही साइड में घोलना है, साइड चेंज नहीं करनी है। अब हम इसमें 1 चम्मच इनो डाल देंगे। देखिए, मैंने 1 चम्मच इसमें इनो डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइड चेंज नहीं करनी है हमें, उसी साइड में हमें इसको मिक्स करते रहना है। इनो डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से दूध भी मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इनो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे और जिस भी बर्तन में आपको केक बनाना है उसमें नीचे घी या तेल लगा करके उसको तैयार कर लेंगे। देखिए, हम इसको रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। और जो हमने घोल तैयार किया है उसको इस बर्तन में पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे ताकि इसमें से बबल्स निकल जाएं। हमने ओवन गर्म होने रखा था, ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें हम सेपरेटर को रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इसमें सेपरेटर को रख देंगे और 40 मिनट तक बेक करेंगे। बीच में इसका ढक्कन खोल के नहीं देखना है, 40 मिनट्स के बाद ही हमें ढक्कन इसका हटाना है। फ्रेंड्स, 45 मिनट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 40 से 45। अब हम ढक्कन को हटाते हैं। आप केक को चेक करने के लिए इसमें एक टूथपिक लगा के देख सकते हैं। देखिए, मैं टूथपिक लगा के देख रही हूँ। अगर टूथपिक, देखिए टूथपिक एकदम साफ निकल के बाहर आई है, इसका मतलब केक पूरी तरीके से बेक हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए,
एकदम बहुत अच्छे से निकल के आया है केक, काफी स्पंजी भी बना है। फ्रेंड्स मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ पे एक मिल्की बार चॉकलेट कद्दूकस कर ली है, थोड़ी सी जेम्स ले ली है, आप चॉकलेट सॉस भी ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट भी कद्दूकस करके केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने केक को डेकोरेट कर दिया है, आप जैसा मन आए वैसा डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट से कर सकते हैं, बिस्किट से कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, चेरी से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, बच्चों को अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट करें। फ्रेंड्स अब आप जब चाहें तब घर पे चॉकलेट केक बना सकते हैं, बच्चे भी खुश और मम्मी भी खुश। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और टेस्ट करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें।